नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संगम रॉय। भागलपुर जिले के गोड़ाडीह प्रखंड में अगरपुर माछीपुर पंचायत से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां राजस्थान के जयपुर से कुछ श्रमिक ट्रेन से वापस लौट रहे, फिर जांच पड़ताल के बाद जब जामसी स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया तो वहाँ जगह नहीं होने पर उसे गाँव भेज दिया गया है। लेकिन गाँव वाले अब अपने ही संतान को घर घुसने नहीं दे रहे हैं। नतीजा, पिछले 48 घंटों से गांव के बाहर बगीचे में शरण लिए हुए हैं। थाना इलाका लोदीपुर है। अगरपुर पंचायत के मुखिया और सरपंच भी लाचार हैं। अब राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए इजाज़त दिया जाए। जरा आप भी गांव के बगीचे में दिन रात गुजार रहे लोगों की आप बीती सुनिए। आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार के लिए भागलपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आप बोलिए, आपको क्या समस्या? देखिए सर, हम लोग जब वहाँ से आए, ट्रेन से उतरे हैं जी। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग का चेकअप हुआ जी। चेकअप होने के बाद वहाँ पर इंतजार किए बस के लिए, बस भी हमारे समय के जी 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 घंटा के बाद मिला, दो घंटा के बाद जी। उसके बाद वहाँ से आए जी, वहाँ जाकर के कौन सा कॉलेज है? हाँ, कोई भी कॉलेज है, बोलिए बोलिए बोलिए। कॉलेज गए, कॉलेज में बोला कि आप लोग रुकिए, आप लोग के लिए बस है लगा हुआ जी जी। तो कोई पानी का साधन नहीं था, खाना पीना नहीं, दो दिन का भूखा हुआ थे हम लोग। बहुत धूप, काफ़ी धूप अगर था और वहाँ पर हम लोग को रुकने में परेशान जी जी जी। उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग अपना किराया भाड़ा दे करके, देखे कोई व्यवस्था नहीं था, वो लोग आपस में ही झगड़ा कर रहा था जी जी। आपस में जब झगड़ा कर रहा था हमसे, हम लोग का व्यवस्था किया, न पानी का न खाने का कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ। तो इसीलिए आप लोग आके बगीचे में ठहर गए? हाँ, तो क्या करते हैं? नहीं किया आपने मुखिया जी को, ये बात है, रुके रुके। वहाँ से आने के बाद हम स्कूल में अपना रिजर्व टेम्पू करके आए, वहाँ स्कूल में उतरे, मुखिया को फोन किए, वार्ड को फोन किए, सबको फोन कर दिए, कोई हम लोग को मैसेज नहीं दिया। इंतजार किए एक घंटा जी, एक घंटा के बाद इंतजार करने के बाद हम लोग सोचे कितना भूखा प्यासे रहेंगे, चलो हम पीपल के गाछ के पास वहीं रहेंगे, पेड़ वहाँ पे है जी जी, अपना जमीन भी पड़ता है, वहीं आराम करेंगे, वहीं खाना पीना मंगा करके खाएंगे, वहीं रहेंगे। दो दिन से हम ये लोग तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाना पीना मंगा के खाते हैं, यहीं सोते हैं, रात में यहीं रहते हैं। तो आप लोग क्या सुविधा चाहते हैं, बोलिए? सुविधा हम लोग को चाहिए कि यार नहीं कोई बिस्तर नहीं, कोई बिछावा नहीं, सुविधा है। हम लोग ऐसे जमीन पे सोते हैं जी। सर देखिए, स्कूल से मास्टर जी भगा रहा था, बोल रहा था कि नाव पे नहीं जाओ, जहाँ रह रखता है मुखिया, वहाँ रहो। तो मुखिया वहाँ से भगाइए दिया, तो हम रहेंगे कहाँ?